अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम फॉलो मी टूल के बारे में पढ़ेंगे कि फॉलो मी है क्या और वो काम कैसे करता है। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि किसी भी चीज को फॉलो करना, सबसे पहले हम टूल्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फॉलो मी का। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है और जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि लाइन और कर्व से हम ये लाइंस वगैरह ड्रा कर सकते हैं। ये स्टेयर्स की मैंने लाइन ड्रा कर ली है और यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे फॉलो मी टूल का। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट कमांड सी प्रेस करते हैं या सर्कल, यहाँ से आप इसको सर्कल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस लाइन के स्टार्ट से एक सर्कल ड्रा करते हैं और एक इंच का सर्कल ड्रा करते हैं और हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ पर फॉलो मी इसको प्रेस करते हैं। अब जितने भी फेसेस हैं उनके ऊपर ये काम करेगा और अभी हमारे पास ये लाइन है तो ये जो सर्कल है वो इस लाइन को फॉलो करेगा। तो हमने इसको प्रेस कर लिया और इस लाइन के ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये उसको फॉलो कर रहा है। ये देखें, तो हमने इस टूल की मदद से ये स्टेयर्स हैं इनकी साथ वाली जो स्पोर्ट्स और ये रेलिंग्स हैं हम ये बना सकते हैं। यही स्टेप हम दोबारा सर्कल लेते हैं और दोबारा दबाते हैं, एक इंच का ले लिया हमने। हम दोबारा टूल्स में गए, फॉलो मी, और अब हमने इस लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है फॉलो मी टूल और इसका इस्तेमाल। आई होप सो कि आपको फॉलो मी टूल का अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।